हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम बैक विथ माय न्यू रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ अमृतसरी पिंडी छोले, और ये मेरे ब्रदर की स्पेशल डिमांड पे बना रही हूँ मैं। कम लेट्स स्टार्ट। यहाँ मैंने एक कप काबुली चने लिए हैं और उसे मैंने रात भर भिगो के रखा था। अब इसको मैं बॉईल करूँगी। इसमें मैंने 2 टी बैग्स डाले हैं, 2 तेज़पत्ते, 1 सिनेमन स्टिक, दालचीनी, 1 बड़ी इलायची, 5 लौंग और जावित्री। अब मैं इसमें 4 कप पानी डालूंगी। अब मैं इसमें 1/8 स्पून बेकिंग सोडा डालूंगी। आप ये स्टेप्स स्किप मत करिएगा, क्योंकि इस स्टेप से छोलों में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इसमें मैं 1/2 टीस्पून नमक डाल रही हूँ। अब इसमें हम 8 से 10 विसल लगा लेंगे। यहाँ मैंने एक ब्लेंडिंग जार में 2 टीस्पून खड़ा धनिया लिया है, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 1 टीस्पून काली मिर्च, 4 से 5 लौंग, अनारदाना 2 टीस्पून। अब मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी। यहाँ मैंने एक पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है, उसमें मैं 1 टीस्पून गार्लिक डाल रही हूँ। वन टीस्पून जिंजर पेस्ट, 2 बड़े प्याज पिसे हुए ले रही हूँ, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 2 मसाले को हम अच्छे से भून लेंगे। इसके बाद मैं इसमें 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ, 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च और 1/2 टीस्पून काला नमक। अब मैंने यहाँ इसमें अमचूर पाउडर लिया है 1 टीस्पून। इसके बाद मैं इसमें अब 3 टमाटर पिसे हुए डाल रही हूँ। अब इस मसाले को हम तब तक भूनेंगे जब तक इसके साइड्स में तेल ना आ जाए। अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून आंवला पाउडर डाल रही हूँ और 1 टीस्पून गरम मसाला। एंड एट लास्ट हम वो मसाला डालेंगे जो हमने ग्राइंड किया था। अब हम छोले देख लेते हैं। ये देखिए, ये छोले बहुत अच्छे से कुक हो गए हैं। अब जो इसमें हमने खड़े मसाले डाले थे, हम वो सब बाहर निकाल लेंगे। अब इन छोलों को हम मसाले में ट्रांसफ़र कर देंगे, और मसाले में ट्रांसफ़र करने के बाद हमें थोड़ा इसको प्रेस करना है कि थोड़े से जो छोले हैं वो थोड़े क्रैक हो जाएं और जो इसकी ग्रेवी है उससे थोड़ी थिक हो जाए। अब हम इन छोलों के लिए तड़का बनाएंगे। यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून घी लिया है और उसमें 2 हरी मिर्च स्लिट करके डाली हैं। अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालूंगी और इस तड़के को सीधे छोलों में ट्रांसफ़र कर दूंगी। अब ये हमारे छोलों में तड़का लग गया है और हमारे छोले रेडी हो गए हैं। आइए इसकी प्लेटिंग करते हैं। आपने अगर ये पिंडी छोले एक बारी बना लिए तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको बाहर के खाने की ज़रूरत नहीं है। सीरियसली, इट टेस्ट टू गुड।
सो आई थिंक आज के डिनर का मेन्यू तो यही है, राइट? आप भी इसे बनाइए और प्लीज़ अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करिए। आई एम वेटिंग फॉर इट। मैं अब आपसे दूसरे वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।